हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ड्राइवर के बारे में कि जो लोग कुवैत में गाड़ी चलाते हैं, जैसे हैवी ड्राइवर, बस ड्राइवर, लाइट ड्राइवर, फॉरक्लिफ्ट ऑपरेटर, तो इनकी बेसिक सैलरी कितनी है उसी के बारे में बताएंगे। कई साथियों ने काफ़ी दिनों से कमेंट्स कर रहे थे कि भाई इस पर एक वीडियो बनाइए, तो दोस्तों मेरे पास जानकारी नहीं थी तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मैंने बात किया, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, जो भी बताऊँगा बिल्कुल रियलिटी के बेस पे बताऊँगा, क्योंकि आप लोग भी वीडियो देखते हैं कुछ उम्मीद लगा के ही। तो दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ड्राइवर्स की बेसिक सैलरी कुवैत में कितनी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हैवी ड्राइवर की। कई साथियों ने कमेंट्स किए थे कि भाई हैवी ड्राइवर के बारे में वीडियो बनाइए, उसके बारे में बताइए, फॉरक्लिफ्ट ऑपरेटर के बारे में कमेंट्स किए थे। तो दोस्तों, आज आपको चार चीज़ के बारे में बताएंगे, हैवी ड्राइवर के बारे में, बस ड्राइवर और लाइट ड्राइवर और फॉरक्लिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हैवी ड्राइवर। अगर दोस्तों अगर आप लोग कुवैत आना चाहते हैं हैवी ड्राइवर में, तो एक बात ख्याल करिए कि यहाँ पर इंडिया का लाइसेंस नहीं चलता है। इंडिया का लाइसेंस रहेगा तो उसके आधार पे यहाँ पे आपको 50% आपको छूट मिलेगी, उस पर आपका लाइसेंस रीन्यू हो जाएगा, ठीक है, कुछ पैसे लगेगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपको जो स्टार्टिंग में मिलेगी वो 160 KD से 250 KD, ठीक है। उसमें बस ड्राइवर भी लोग होते हैं, ट्राला ड्राइवर भी होते हैं, और जो बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिंग का काम होता है, जो मटेरियल लेके जाती है मशीन, वो भी लोग चलाते हैं। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में 160 से 250 KD मिल सकती है, इसके अंडर में मिलेगी, इससे कमती आपको नहीं मिलेगी। मैं कोई फिक्स रेट नहीं बता रहा हूँ कि हाँ इतना ही आपको मिलेगा, क्योंकि हर कंपनी अलग अलग वो सैलरी देती है, ठीक है ना। हर कंपनी अच्छी भी नहीं होती, हर कंपनी ख़राब भी नहीं होती है, कुछ अच्छी भी हैं कुछ ख़राब भी हैं। तो जिसकी जिसकी नसीब रहेगी उसकी वो ऐसी कंपनी में जाएगा। तो स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों हैवी ड्राइवर में ये मिलती है। और बस ड्राइवर की बात करते हैं तो ये भी हैवी ड्राइवर में ही आता है, लेकिन तो बस ड्राइवर जो लोग होते हैं उनका थोड़ा लाइसेंस का नंबर जो होता है वो दूसरा होता है, ठीक है। जैसे ट्राला ड्राइवर का दूसरा होता है, बस ड्राइवर का दूसरा होता है, लाइट ड्राइवर का अलग होता है, ऐसे ही। दोस्तों, जो उसमें आपको सैलरी मिलेगी वो स्टार्टिंग सैलरी 160 KD से ही मिलेगी, स्टार्टिंग 160 से 200 KD, इसके बीच में आपको सैलरी मिलेगी, ना 160 से कम मिलेगी ना 200 से ज़्यादा मिलेगी। इसके अंडर में आपको बस ड्राइवर में आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप बस ड्राइवर में आते हैं तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है और लेबर कैंप वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें बस ड्राइवर का काम बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों, बात करते हैं तीसरा, लाइट ड्राइवर। लाइट ड्राइवर के बारे में हमारे यूट्यूब पर कम से कम 3-4 महीने से कमेंट आ रहे थे, लेकिन तो हमारे पास जानकारी नहीं थी, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो मैं बात किया, फिर उसके बाद ये जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप लाइट ड्राइवर में आते हैं तो उसमें आपको 120 KD से 160 KD आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप लाइट ड्राइवर में आते हैं, या कंपनी में आए या आप किसी शॉप में आए, ठीक है। 120 से 160 KD, न 160 KD से ज़्यादा मिलेगी, न 120 KD से कमती मिलेगी, इसके बीच में आपको मिलेगी। ये बेसिक सैलरी है। और जो आपको लिप सैलरी वगैरह मिलेगी वो कुवैत लेबर लॉ के तहत मिलेगी, उसके द्वारा मिलेगी, जो आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। और बात करते हैं फॉरक्लिफ्ट ऑपरेटर, जिस पर अभी एक कल भाई एक कमेंट किया, तो हमको दिमाग में आया कि हाँ इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं फॉरक्लिफ्ट ऑपरेटर। फॉरक्लिफ्ट ऑपरेटर की सैलरी जो है 130 से 170 KD, ठीक है, 130 से 170 KD के बीच में आपको सैलरी मिलेगी एज ए फॉरक्लिफ्ट ऑपरेटर। तो फॉरक्लिफ्ट ऑपरेटर का काम दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन में भी होता है, शॉप में भी होता है, मार्केट में भी होता है, क्योंकि इससे सामान उतारना है, लेके जाना है, एक जगह से दूसरे जगह करना है, तो इसका काम बहुत ज़्यादा होता है फॉरक्लिफ्ट ऑपरेटर का, ठीक है। लेकिन तो उसका यहाँ पे लाइसेंस बनवाना रहेगा, तब आप चला सकते हैं। यहाँ पे बगैर लाइसेंस का आप कोई भी गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये चार चीज़ है, जो लोग अगर आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी भी अच्छी है। और जो भी आपको लिप सैलरी मिलेगी वो कुवैत लेबर लॉ के तहत ही मिलेगी, जो आपको बेनिफिट होगी। और इसमें कई साथियों कमेंट करते हैं कि भाई कंपनी एकमेंडेशन रूम वगैरह देगी कि नहीं देगी। दोस्तों, अगर आप कुवैत में आते हैं तो आपको कंपनी हर एक चीज़ प्रोवाइड कराएगी, ठीक है ना। एकमेंडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल वगैरह सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी,
मैं दोस्तों एक बात और बता दूं कि दुबई से अच्छा कुवैत है, ठीक है। लेकिन तो कुवैत में थोड़ा गर्मी ज़्यादा है और दुबई में थोड़ा नॉर्मल गर्मी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।